हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सुबह का समय है और सुबह सुबह देखिए हमारे आंगन में जो गेंदे के फूल लगे हुए हैं वो काफ़ी अच्छे खिले हुए हैं और मैंने उसमें पानी भी भर रखा है। दोस्तों सुबह का टाइम है और सुबह सुबह अभी मैं चलती हूँ अपने खेतों में कुछ काम करने के लिए। दोस्तों सुबह सुबह ही मैं नहा लेती हूँ और तैयार भी हो जाती हूँ, तो काफ़ी जल्द धूप आ जाता है तो खेत में काम नहीं करते बनता है, बहुत ज़्यादा धूप लगने लगता है। इसलिए मैं सुबह थोड़ा सा खेत में काम करूँगी, इसके बाद चलूँगी खाना बनाने। तो देखिए भाभी जो सब्जी लगाई गई है उसकी गुड़ाई कर रही हैं, तो अभी मैं भी जो है कि इसको गोड़ लेती हूँ। तो ये देखिए ये मेड़ बनाकर इस पर लगाए गए हैं, काफ़ी सब्जी लगाई गई है। इस पे मूली लगाया गया है और बोड़ा लगाया गया है, भिंडी भी लगाया गया है, तो काफ़ी सब्जी लगाई गई है दोस्तों। तो मैं इसे गोड़ लेती हूँ। इसे गोड़ने के बाद इसे इसमें जो बड़े बड़े ढेले हैं उसे फोड़ कर इस पे मेड़ चढ़ाया जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छे से विकास ये करेगा। तो दोस्तों ये गोड़ने के बाद इसमें जो है कि खाद डलाएगा, इसके बाद ये मेड़ चढ़ाया जाएगा। तो सुबह सुबह यहाँ पर बहुत ही जल्द धूप आ जाती है और देखिए उधर धूप आ भी गया है, कुछ ही टाइम में इधर भी धूप आ जाएगा, इसलिए हम लोग सुबह सुबह ये काम कर लेते हैं। धूप आने से के पहले से ही, धूप न आए इसके पहले ही ये सब काम कर लेते हैं, क्योंकि जब धूप लगने लगती है तो काम करते नहीं बनता है। बहुत ही तेज़ इस समय धूप भी कर रहा है, धूप तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, इतना ज़्यादा धूप कर रहा है। तो सुबह शाम जो है कि खेत में काम करने का टाइम मिलता है, इसलिए हम लोग सुबह शाम ही इस खेत में काम करते हैं। तो देखिए ये मूली है, इसे भी जो है कि भर कर ये पक गया है, इसे भी हम लोग गोड़ेंगे। और इधर देखिए इतना गोड़ लिए हैं और इसके जो ढेले हैं इसके ढेले भी फूट गए हैं, तो अभी से मेड़ चढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों हम गोड़ लिए हैं, अब हम चलते हैं खाना बनाने के लिए। तो इधर देखिए हमारे जो आम हैं वो काफ़ी अच्छे फले हुए हैं और टमाटर जो हमने लगाया हुआ था टमाटर भी फले हुए हैं। और ये पालक जो आप लोग पहले देखे होंगे, हम इसमें से पालक काट काट कर रेसिपी बनाते थे, तो ये पालक अब फूल गए हैं, ये पालक का फर है, यहीं अगर पक जाएगा तो यहीं बीज होता है पालक का, यहीं छीटा जाता है। तो अभी मैं चलती हूँ किचन में खाना बनाने। तो दोस्तों आज के खाने में मैं बनाऊँगी दाल चावल और सब्जी रोटी। तो मैंने चावल आज भगोने में बना रखा है और इसके बाद दाल भी बना रही हूँ और इसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। दोस्तों आप लोग भी सब्जी लगाते हैं क्या, आप लोग भी खेत में काम करते हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। हमारे यहाँ तो छोटा मोटा खेती होता है, जो गेहूँ चावल वगैरह रहता है ये तो मिर्ज़ापुर खेत है, वहाँ पर होता है, गेहूँ चावल वगैरह लगाया जाता है। कभी कभी तो हम लोग खुद से जाके करते हैं और कभी कभी दे देते हैं दूसरे को करने के लिए, और ऐसे भी हमारे घर से काफ़ी दूर है वो खेत, तो जाना पड़ता है, बार बार आना जाना पड़ता है और इतना टाइम भी नहीं है किसी के पास, तो एक आध साल कर लेते हैं और इसके बाद जो है कि दे देते हैं दूसरों को करने के लिए। और ऐसे जो यहाँ पर घर पे थोड़ा बहुत स्पेस है तो इसमें हम लोग साग सब्जी वगैरह लगा देते हैं, ताकि जो है कि हम लोग खेत में थोड़ा बहुत काम भी कर सकें और खाने के लिए सब्जियां भी ताज़ी ताज़ी मिले। तो यहाँ पर हमारी मम्मी सब्जी लहा रही हैं, ये आलू छील रही हैं, और आज मैं शिमला मिर्चा की भुजिया बनाऊंगी और वो हमारे हस्बैंड जी को बहुत ही पसंद आता है। तो दोस्तों खाना हम लोग बना लिए हैं और सब लोग खाना खा भी लिए हैं, तो अभी मैं आ गई हूँ। आप लोग बोले थे कि आप अपने दुकान का टूर कराइए, तो मैं आ गई हूँ अपने शॉप में। और ये देखिए एक छोटा सा शॉप है पतंजलि का, तो यहाँ पर देखिए सैनिटाइज़र रखा है, तो पहले मैं थोड़ा सा लगा लेती हूँ अपने हाथों में, इसके बाद मैं आप लोगों को अपने पतंजलि के दुकान का टूर कराती हूँ। तो दोस्तों काफ़ी बड़ा शॉप तो नहीं है, बहुत ही छोटा है,
ये देखिए इस तरह से इसमें सामान रखा गया है, इसमें कॉस्मेटिक की भी सामान रखी गई है और खाने पीने की वस्तुएं भी रखी गई हैं। तो ये देखिए बिस्किट वगैरह भी रखा गया है पतंजलि का, और ये देखिए सूजी है पतंजलि का, और सूजी के ये भी सूजी है, और इसके बाद देखिए दोस्तों ये पतंजलि का बेसन है, बहुत ही अच्छा होता है। हम लोग तो पतंजलि का ही यूज करते हैं, और ये पतंजलि का चना है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए ये है दलिया है, ये सब पतंजलि का रखा गया है, और भी सारी चीज़ें रखी गई हैं। तो बहुत ही छोटा शॉप है दोस्तों। और ये देखिए ये कुछ मसाले वगैरह हैं, और इसके बाद यहाँ पर देखिए ये आंवला कैंडी और बेल कैंडी रखा गया है, ये काफ़ी अच्छा होता है, हेल्दी होता है। और ये देखिए आंवला मुरब्बा है, और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं। तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा होता है पतंजलि का जो भी सामान रहता है। हमारे घर तो पतंजलि का ही यूज होता है। और इसके बाद देखिए इधर घी वगैरह रखा गया है, ये बादाम पाक है, और इधर कुछ ये देखिए चमपरास है, और इसके बाद देखिए इधर शैम्पू और जो साबुन वगैरह होता है ये सब, और ये फेस वाश क्रीम है। तो यही सब सामान रखा गया है दोस्तों। पतंजलि के जस्ट बगल में कंप्यूटर की एक शॉप है जिसमें वो रहते हैं और दोनों देखते हैं दोस्तों। और एक नई न्यूज और है कि उन्होंने अपने चैनल का नाम चेंज कर रखा है, उनके चैनल का नाम है मनपसंद खाना। उनका लिंक हम दे देंगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग देख लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनीषा ब्लॉग। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों आप लोग हमेशा हमारे तबीयत के बारे में पूछते हैं, तो मेरी तबीयत काफ़ी हद तक आराम है मुझे, और आप सबकी दुआ भी रंग ला रही है दोस्तों। मैं बहुत ही जल्द ठीक हो जाऊंगी। तो चलिए आप लोग जो भी कमेंट करते हैं मैं कमेंट का जवाब दे देती हूँ, और आप लोग बहुत ही अच्छे कमेंट करते हैं। तो सबसे पहले कमेंट की है कविता तिवारी जी, और इसके बाद है विश्वनाथ जी, और क्रिएटिव लाइफ है, और पल्लवी सोनी जी हैं, उसके बाद हैं मधु मेहरोत्रा जी, और श्वेता त्रिपाठी जी हैं, देविना घेराव जी हैं, और रत्न प्रभा जी हैं, श्रद्धा गुज्जर हैं, पुष्पा रावत जी हैं, अनुसुईया विश्वकर्मा जी हैं, पूनम नाइक हैं, सुनीता मिश्रा हैं, ललिता किचन और वर्षा जी हैं, बिट्टू भगत हैं, और अंशु साहनी हैं, और देवमणि जी हैं, श्रवण सैनी हैं, निशा सिंह और वर्तिका सिंह हैं। तो आप लोग बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उनसे कमेंट पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों मुझे आप लोगों के कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि अपना कीमती समय निकालकर हमारे वीडियो को देखते हैं। तो अब मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। खा जाओ।